अभी भी नमस्कार, स्वागत है आपका और एक नए व्लॉग और सेम टू सेम वही गाड़ी, वही ड्राइवर और वही कैमरे में। तो आज मैं जा रहा हूँ रूपा रेल कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे इनविटेशन मिला, एक गेस्ट इनविटेशन है, वो इनॉग्रेशन कुछ करना है, गेमिंग का विषय है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोई कॉलेज बुलाता है तो एक प्राउड फील सा महसूस होता है। तो उसके लिए मैंने कल स्पेशली ये टी शर्ट लिया बादशाह दिखने के लिए, लेकिन मेरे पास गॉगल नहीं है, लेकिन केस मैंने प्रॉपर किए है, जेल लगा के, एक उधार जेल लिए एक बंदे से और लगाए हैं। और अभी जा रहा हूँ कॉलेज में रूपा रेल, और मुझे सामने गरुड़ा जी मिलने वाले हैं। देखते हैं क्या सिचुएशन और क्या सीन होता है। होपफुली इसमें मैं इंस्टा 360 के भी कुछ फुटेज डालूं जो रिसेंटली हमने लिया हुआ है। बस इतना ही था। वो व्हाइट शूज है ना, वो डील जो हुई थी पिछले ब्लॉग में आपने सुना था, 2000 रुपए में आपी भाई को। लेकिन अभी भाई पैसे लेके आए, लेकिन मैं शूज भूल गया, तो अभी भाई ऐसे ही आ रहे हैं मेरे साथ। तो अभी वो योगेश दादा को कॉल करके उनके शूज का कुछ जुगाड़ हो रहा है कि देख रहे। मैंने बोला डाउन टू अर्थ रहो ना, तो मेरे शूज पे रहो, लेकिन मेरे होंगे नहीं, उनके पैर बड़े और क्या ही बोले। लेकिन ठीक है, अभी वहां से कॉल आ रहा है बार बार, तो जाना पड़ेगा। मैंने जानबूझ के कल स्टोरी नहीं डाली ताकि किसी को ठीक ना लगे, और सुंदरी में जाके अपन समझ रहे हो ना, पब्लिक दीवान की हो तो तकलीफ तो होनी ही है। बोलता ना कि अभी गेम तो इवोल्यूशन दाखवलं आहे, म्हणजे आपले जुने गेम होते ना, आपले म्हणजे 8-bit गेम, आपले बॅटमॅन पासून ते आताचा गॉड ऑफ वॉर किंवा लास्ट ऑफ अस आहे, किंवा आताचा लेटेस्ट आलेला ना स्पायडरमॅन वगैरे। काय दाखवतोय तू गाडीचं हे डिस्प्ले? अरे आम्ही अभी त्याला बोलू दे ना, तो बोलतोय ना। ए तू बोल मित्र। अरे पण हा व्लॉग मागून घे ना, आम्ही दिसतो। अरे बट हे व्लॉगर है या वो व्लॉगर है, लोगो को काम पे लगा रहे यार, चेतन और गरुड़ा है ना दोस्तों, ये इतने माजुरडे है ना, इनको गुलाम चाहिए। अभी वो बेचारे हमें रास्ता दिखाने बैठे या ये गुलामी करने के लिए, उनको इन्होंने ये कर दिया है। वो गार्डियंस आगे, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अभी इसने बोला TLRP के 4,000-4,500 रजिस्ट्रेशन हुए, मतलब इतने लोगों ने वो गेम खेल के देखी है और देखना चाहते हैं, सब कुछ कुछ है। और अभी आप ये देखो, यहाँ से हम जा रहे हैं आगे, और ये इनको मैंने बोला है किसी को बताया नहीं ना, क्योंकि पुणे मीटअप पहले होगा, उसके बाद मीटअप। ये विजिटिंग विषय क्या विषय उधर करने का? उधर वो टेक्निकल इवेंट है, भेट देके बस। हाँ, भेट देके निकलना है, कोई विषय नहीं। तो पुणे वालों, पहला मीटअप पुण्यातच होणार आहे, टेंशन घेऊ नका। ओके, गाइस ये देखो सब लोग। सुरक्षा दे रहे कि आज वो लोग आए, कॉलेज के ही लोग आए गाइस, मुझे डर लग रहा है ना। या साइड ने ना फक्त तुझे प्रॉप्स लावलेत ना, ते बघत जा। अच्छा, तिकडनं तुला इव्होल्युशन दिसेल पूर्ण गेमचा। ओके, आतापर्यंत आपली गेमिंग इंडस्ट्री कुठून कुठपर्यंत पोहोचली ना, ते तुला इकडनं या साइडनं सगळं समजेल। म्हणजे या साइडला म्हणजे मारिओ आहे, मारिओ पासून इथे स्टार्ट होईल। ये गेमिंग रूम देखो दोस्तों, उद्योजक ये सर जी है। नमस्कार सर जी, वेलकम टू रूपा रेल। थैंक यू, थैंक यू। ही तन्वी ना तू? यस, हां आता ही तन्वी आहे। हां मी तन्वी आहे, ते बघितलं मी तिकडे इंटरव्ह्यूला। तिकडे पण तन्वी मी नाही, इथे पण तन्वी मी नाही। आणि ये देखो डार्क रूम, तुझी कार हो RTX 4090 मस्त बनवले। हे नॉर्मल आणि जे बॉक्स वगैरे अवेलेबल आहे इथेच ते राहणार का TLRP सगळं? हो, इकडे प्रेझेंट जे चढपंत आहे ना, सगळे नियम मेहनत करून आपला बनवला। नाही नाही, सही आहे, सही आहे। ते 4,500 रजिस्ट्रेशन आलेले ना TLRP चे, कडक कडक इज्जत आहे TLRP ने, नाच चालवलंय बाबा। सगळ्यात मेन म्हणजे काय माहिती आहे, यावेळी बिहार मध्ये पूर्ण TLRP बघा, फर्स्ट इंडियन कॅरेक्टर काय आहे, कॅरेक्टर इन वर्ल्ड बिगेस्ट स्पोर्ट्स, अंकित आपले आहेत ना, वेनम। हां अरे तो जीव आहे अंकित भाई, देखो आपके लिए
इज्जत आपको पढ़ना है पूरा ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ व्हिडिओ गेम्स यस हे खूप महत्त्वाचं आहे। सर्वप्रथम बोलायचं झालं तर मला लाज वाटते बोलायला लाज म्हणजे एवढे लोक असतील मला माहीत नव्हतं। सुमडीत आलोय मी तसा मी तुम्ही बघितलं कालपासून एक स्टोरी नाही टाकली किंवा काय नाही सुमडीत आलोय तरी आय थिंक हे सर्व रूपांचंच क्राऊड आहे राईट म्हणजे कॉलेजची पब्लिक एवढी मला टाईम देते स्वतःचा बघते एवढं प्रेम करते त्यासाठी तर थँक्यू सो मच भावांनो पेपर सोडून आले मी पण आलो लवकर आलो मी दोन दिवस आले असते तुमच्यासाठी दोन दिवस आले असते आणि तुम्ही दुबई फिरा नाही तर कुठेही फिरा पण हे जे आहे ना हे कुठेच नाही भेटू शकत कारण मला हे पाहिजे होते खूप छान वाटतं मार्केटमध्ये तुम्हाला लोक किती प्रेम करतात हे जेव्हा तुम्हाला कळतं ना तेव्हा तुमचा कॉन्फिडन्स अजून वाढतो तुमचं कामं करण्याचा कॉन्फिडन्स वाढतो त्यामुळे धन्यवाद आपण फुल कॉन्फिडन्स कामं करत राहू छत्रपती शिवाजी महाराज के कवी संभाजी महाराज के एक गाणं गातो महाराजांचं सर्वांचे देव एकच आहे महाराज कुठर सर मीच स्वतःला पाऊ कसर या मावळ्यातून मावळून मी तू कधीच गेला रे माझ्या राजा रे माझ्या शिव सर जी को इज्जत है और यहाँ पे सब लोग शूटिंग वन साइड कर रहे थे और अभी हम आते हैं हम आ रहे थे तो गर्दी नहीं थी अचानक कहीं से तो पीछे से पब्लिक आ रही है टेंशन का विषय लग रहा है। गेमिंग है करियर म्हणजे ऍक्च्युअली करिअर नव्हतं मी म्हटलं हे माझं व्यसन होतं लोकांना वेगवेगळी व्यसन असतात तसं मला गेमिंगचं व्यसन होतं लहानपणी म्हणजे ते इंटरव्ह्यू झाल्यावर कुठल्या तरी त्याच्यावर मी बोललोय पण तुम्हाला ज्याने ऐकलं असं त्यांना सांगतो मी लहानपणापासून चोरून चोरून गेम खेळायचो आणि मार पण खाल्लाय शिक्षकांचा दाखले मिळाले मला दोन तीन वेळा मी शाळा सोडून इकडून चाललो घरच्यांनी मारलेल्या पण गेमिंग तरी सोडली नाही आणि घरचे खूप बोलायचे भडभडायचे पण बोलतात एक लाईफचा एक असा पॉईंट आलेला तिकडे मला निर्णय घ्यायचा होता की काय करावं एक जॉबच करायचा आहे आणि माझ्याकडे असं एक 6 महिन्याचा पिरियड होता तो मी कुठल्या इंटरव्ह्यूमध्ये बोललो नाहीये डिटेलमध्ये काय सांगतो पण सांगतो की 6 महिन्याचा कसा पिरियड होता तिकडे मला डिसिजन घ्यायचं होतं हे ट्राय करायचं आहे झालं तर ठीक आहे नाही जॉबला आहे ते कंटिन्यू करूया आणि त्या 6 महिन्यात म्हणजे वाटलं पण नव्हतं असं प्रे लोकांकडनं आलं आणि मला असं वाटलं जी रिस्क मी घेतली होती आणि ती रिस्क चांगली आली म्हणजे ऑटोमॅटिक करिअर झालं ते करिअर आले नव्हतं पण नंतर करिअर झालं आणि थँक्यू तुम्हाला जर तुम्ही मला सपोर्ट नसता केला तर
मला एवढं रिकग्निशन मिळालं नसतं, मला एवढं आता जे लोक आपल्याला प्रेम देत आहेत किंवा जे लोक आपल्याला बोलवत आहेत, इव्हन इथे सुद्धा मी आज उभा आहे तुमच्या सगळ्यांच्या मुळेच आहे, तर थँक्यू सो मच. जॉब वाईट नाहीये पण तुम्हाला आवड पाहिजे त्या गोष्टी, आणि मला ते जमलंच नसतं पण ते मर्जी विरुद्ध करायला लागलं असतं, पण आज मी ते करतो जे मला आवडत आहे. मला लोक विचारतात तू तू एनर्जेटिक असतो खरं कसा काय, कारण मला आवडतं एडिटिंग म्हणा गेमिंग म्हणा क्रीड म्हणा ते आवडतं, आणि ज्या जे तुम्हाला आवडतं त्यात तुम्ही पैसे पण कमवताय, मग अजून काय पाहिजे. थँक्यू सो मच. सो सेकंड क्वेश्चन असा आहे की तुम्ही काय काय ऑब्स्टेकल फेस केले जॉब मध्ये तुमचा गेमिंग करिअर स्टार्ट केला? इंटरनेट जाम वीक असेल माझ्या एरियात, पण एक मित्र करण त्यांनी सपोर्ट केला नाही मला, आणि एक चॅनल गेल्या जमा होतं त्याच इंटरनेटमुळे, पण दुसरं चॅनल पण चांगलं झालं इंटरनेट आलं म्हणून. बाकी असे काय ऑप्टिकल्स नाही फेस केले, एमएससीबीची पण खूप होती थोडी, पण त्या ऑप्टिकल्स काय ते महामध्ये कुठलाही गेमर्स असो किंवा तुम्ही अभ्यास करतात लाईट जातेच ना नाही जात असते काही मोठी गोष्ट नाहीये, पण सुरुवातीला खूप लोक बोलायची की काय डायव्हर्स करतोय याचं काय मिळणार आहे, इव्हन आपलं चॅनल चांगल्या स्टेजवर होतं ना त्या टायमाला पण माझ्या गेल्या कुठला माहीत होतं मी काय करतो, ते घरच्यांना खूप बोलायचं की अरे काय टाइम करते जॉबला जायला सांगायचं, घरचे पण काय बोलायचे शांत राहायचे. हळूहळू तुम्हीच सांगितलं त्यांना की मी कोण आहे मी काय करतोय, आणि जे बोलायचे आता प्रेम करतात यावरून काय पाहिजे, त्यामुळे ऑब्स्टिकल असं काय असं ऑब्स्टिकल जेव्हा येतात त्याच्यावर आपण मात करतो ना तेव्हा असं महत्व कळतं की आपण काय अचीव्ह केलं. Yeah.
अरे अभी मैं आ गया हूँ, चाय ले रहा हूँ और हमारे गुरु जी भी आ गए हैं और मम्मी जी भी आ गए। आप इसमें हमको एक साथ देख सकते हैं। हाँ, एक साथ 360 व्यू। वो देखो हमारी मावशी और उन्होंने वो हमारी ताई है, धोतर ने इसके आई है और ताई ने हमें मीट मसाला भात खिलाया, समाज में इज्जत दी, वॉच पर अपर भुप्पा किया, इज्जत तो है। वैसे मेरा हाथ तुमको इरिटेट कर रहा होगा बट अभी दंडी लेने जा रहा हूँ। अच्छा, वो इन सब 360 लेना पड़ेगा उसको। दंडी ना डुप्लीकेट आता है, 300 में आता है, रुबाब नहीं करने गए। फाइनली एक छोटा सा शूट था वो कंप्लीट किया और अब रशीद भाई के यहाँ पे जाके अपने वो 360 के लिए कुछ एक्सेसरीज लेते हैं। दोस्तों रशीद भाई की तरफ से उलान सी का हमने स्टिक लिया और उसी से देखो क्लियरिटी, देखो रशीद भाई की क्लियरिटी देखो, गोरा गोरा पान खुला सर का छान, ये देखो है कि नहीं। अभी ये प्रॉपर व्लॉगिंग सेट हो गया है तो और अच्छी क्वालिटी के व्लॉग आएंगे। कैमरा अभी नहीं आने वाला है, कैमरा बाद में देखेंगे। इस पे मैंने फोन लगाया था इसके ऊपर, ठीक है। और ये GoPro का ये ले लिया, ये बुलेट कैम के लिए है, ये नॉर्मल एक्सटेंशन है, यहाँ पे लगाया खड़ा 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 घूमता ही होता है। हाँ देखो कितना बड़ा होता है, देखो असला लाम सड़क। और ये प्रोटेक्शन कवर लगा दिया, टेंशन ही नहीं, मतलब अभी स्क्रैच की रिस्क नहीं है। वाह, रात के टाइम पे भी इतना प्रखर प्रकाश। रशीद भाई की इधर से लिया सामान, एक मिनट थामा दर ओवर लाओ तो लाइट, अभी ऊपर लगाइए तो अभी देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मंथ ऑफ द बेबी डॉल। रशीद भाई अच्छे रे, कैसे मतलब है बंदा बच्चा, उनको उनको अगर कॉल कर लिया तो प्रोडक्ट भेजते हैं तो इज्जत है रे, इसलिए अच्छा लगता है। और दोस्तों अभी क्या है देखो मार्केट में इंस्टा 360 बुलेट 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 उसके डेमो शॉट्स में आपको, हाँ इंस्टा की रील पे डालूंगा मैं डेमो शॉट्स, आपको अच्छे लगे। दोस्तों ये इन्होंने रैंडमली देखा, ये डोंबिवली के ना डोंबिवली के दोस्त थे और ये हैंग हो गए, ये क्यों हैंग हो गया पता नहीं। और ये भी बहुत प्यारा फैन है, फैन मतलब फैमिली यार। और ये दोनों भी देखते हैं, इज्जत है सबको। ए लाइक करना इस वीडियो को सब लोग। अभी भाई ले रहे चना गरम, हमारा फेवरेट, ये इसका बहुत फेवरेट है, इसके पागल करता था पहले ये। हम एक्चुअली चना गरम के फैन है और चना गरम मतलब नाक खुला। और अभी मैं बैक कैम से कर रहा हूँ रात को, वो फ्रंट कैम से था वो जो ब्लर हो रहा था और ये नॉर्मली बैक कैम, लेकिन इसमें नेचुरल ब्लर होता है पीछे का, ये प्लस पॉइंट है। चलो मैं चना गरम खाता हूँ। चाचा बना रहे चना जोर गरम, ये देखो यहाँ से माल मटेरियल निकल रहे इसमें। और चाचा को बोला है मैंने बना 30 का रहे हो लेकिन दिखना 1000 का चाहिए ताकि पेट फट जाए। ओके काका, डालो डालो काका, इज्जत दो जरा, नींबू डबल मारो। देखो ये ना ये बहुत बड़े यूट्यूबर है ये इनके इनके लिए डालो। दोस्तों लॉगिंग किट बिठा है, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, ये जो लॉगिंग किट बिठा है उसके बाद आपको लोग अड़ाएंगे, आपकी चौकशी होती है कि आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। वही आपके हाथ में कैमरा हो ना नॉर्मल मोबाइल तो कोई पूछता नहीं, कोई इतना इंक्वायरी नहीं करेगा, लेकिन ये लाइटिंग, ये हैंडल, ये सब, ये ऐसी जगह पे यूज करना जहाँ पे तुम्हें कोई पूछे ना, समझ रहे हो ना। और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लोग अड़ाएंगे, हाथ और मोबाइल ओनली, काम 25, रिलैक्स। चलो अभी हम निकल रहे हैं, ये सिस्टर आपको तो पता ही है, ये मदर जो आजरी है, और इसके बारे में क्या ही बताएं। अभी हम निकलेंगे घर जाएंगे और घर जाके आराम फरमाएंगे। हाँ ये देखो मां अपने सामान ला रहे हैं।